नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की परीक्षा 2020-21, यह वार्षिक परीक्षा 2020-21 है, जिसमें गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं इस पेपर के माध्यम से, और साथ ही हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस लेक्चर में हल करने वाले हैं। तो चलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प के अंतर्गत पहला जो विकल्प है, यदि ए बराबर हमें समुच्चय ए दिया है जिसमें एक अवयव 4 है, तब नंबर ऑफ पी ए अर्थात पावर सेट घात समुच्चयों की संख्या बतलानी है। तो हम चूंकि जानते हैं कि घात समुच्चयों की जो संख्या होती है 2 to the power n होती है, अर्थात 2 के ऊपर यहाँ पे नंबर कितना है 1, तो इसकी आंसर जो हो गया वो क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया गया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कॉस 2π-x, जो 2π-x है अर्थात वह चतुर्थ चतुर्थांश में पहुँच जाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और जो इसका अपोजिट होता है सेक, यह पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, और 2π की कंडीशन में कॉस का कॉस ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थर्ड प्रश्न है, तीसरा बहुविकल्प है कि आई के ऊपर 44 का मान होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि आई के ऊपर यदि 4 की घात का कोई भी गुणांक होता है तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसके ऊपर भी क्या है 2 की घात लगी हुई, तो -1 का +1, और +1 यदि 1 है तो उसके ऊपर कितनी भी घात है उसका मान क्या होगा 1 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बात करते हैं हम चौथे की, 9C4, चूंकि हम जानते हैं कि जो NCR होता है उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 126। पांचवा है, यदि 2x (+8, 3x (+1) समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर बराबर होगा, यदि हम इन दोनों का अंतर ले लें अर्थात x (+8, -2x) करें, और साथ ही 3x (+1) में से यदि हम x (+8) को घटाते हैं तो हमें ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी 5, हमें आंसर मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहला प्रश्न है, परवलय x² = -16y, एक्स का वर्ग बराबर -16y, -16y है अर्थात यह जो परवलय बनेगा वह हमारा इस तरीके से होगा, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा, और इसकी जो नाभी है उसके हमें निर्देशांक को बतलाना है, तो इसके नाभी के जो निर्देशांक होंगे, चूंकि बाय निर्देश बाय अक्ष है तो बाय अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा और बाय की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी -4, तो हम कह सकेंगे कि नाभी के जो निर्देशांक होंगे वह 0 और -4 होंगे। दूसरा है, लिमिट x → 0 sin x / x का मान होता है, तो ये तो मान एक ही होता है, हमेशा याद रखना है कि लिमिट x → 0 sin x / x, tan x / x और cos x / x इनकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। तीसरा है कि प्रेक्षणों 7, 4, 10, 15, 9, 12, 7, 9, 2 की माध्यिका, हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले इनके नंबर को काउंट कर लेंगे कि नंबर कितने हैं, तो आंकड़े देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर n जो है 9 है, 9 है अर्थात 9 अर्थात यह कैसी है एक विषम संख्या है, तो इसके लिए जो माध्यिका होगी वह उसका फॉर्मूला बन जाता है n/2 n+1 / 2 वा पद, तो हम इस तरीके से 9 और 1 10, 10/2 अर्थात 5वां पद हो जाएगा, लेकिन माध्यिका के लिए हमें सबसे पहले जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है हमारा 9। यहाँ चौथा ऑब्जेक्टिव है, यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हों तो प्रायिकता E1 × E2 खाली स्थान होगी। तो चूंकि हम जानते हैं यदि E1 और E2
परस्पर अपवर्जी हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वह फाई होगा, अर्थात इसमें कोई भी रिक्त समुच्चय, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, अर्थात वह रिक्त समुच्चय होगा, इसलिए इसकी प्रायिकता शून्य होती है। चलिए पांचवा हमारा ऑब्जेक्टिव है, यदि समुच्चय ए बी और ए सी डी का हम सर्वनिष्ठ लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, इसमें ए है और बी कॉमन इसमें नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो इसमें ए आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समुच्चय होगा जिसमें एक अवयव होगा ए। तो प्रश्न क्रमांक तीन में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला जो है समुच्चय ए बराबर हमें दिया है एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है, यहाँ पर x एक पूर्णांक है और x का मान जो है ऋण तीन से तो बड़ा है लेकिन सात से छोटा है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा, तो इसका मान जो है ऋण तीन से बड़ा है, तो ऋण तीन से बड़ा क्या हो जाएगा, ऋण दो, ऋण एक, लेकिन क्या है सात से छोटा है, तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये रोस्टर के रूप में। दूसरा है सम्मिश्र संख्या ऋण तीन आई का वास्तविक भाग है, तो चूंकि यदि हम सम्मिश्र संख्या का यदि हम ए धन आई वी के रूप में लिखें तो सम्मिश्र संख्या में यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है, कुछ नहीं है, जीरो, ऋण तीन आई है, इस तरीके से है, अर्थात इसका वास्तविक भाग क्या होगा, जीरो होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग क्या होगा, ऋण तीन। तीसरा है शब्द भोपाल से बनने वाले कर्मचारियों की संख्या लिखिए, तो भोपाल शब्द में यदि हम देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः अक्षर हैं, तो छः अक्षरों से हम फैक्टोरियल छः तरीके से कर्मचारियों को बना सकते हैं, अर्थात इसका आंसर हमारा हो जाएगा 720, तो 720 शब्दों को हम बना सकते हैं। चौथा है अनुक्रम टी एन बराबर दो एन धन पाँच का पांचवा पद लिखिए, तो पांचवा पद अर्थात n की वैल्यू हम यहाँ पे पाँच रख देंगे, तो T5 जो होगा पाँच दूनी दस और पाँच पंद्रह, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। यहाँ पे पांचवा है उस वृत्त का समीकरण लिखिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो तथा त्रिज्या a हो, तो यदि एक वृत्त है जिसका केंद्र x अक्ष पर स्थित है अर्थात वह इस तरीके से कोई वृत्त होगा, तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स जीरो, या फिर हम इसको इसके केंद्र क्या होते हैं, एच के होते हैं, तो एच तो यहाँ पर एच है लेकिन के का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, एच जीरो, तो इस तरीके से इसके जो समीकरण बनेगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का वर्ग धन वाई वर्ग बराबर ए वर्ग, तो यह वृत्त का समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य में पहला है यदि एन सी 12 बराबर एन सी 8 हो तो एन का मान 20 है, तो हम देख लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एन सी आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी एन माइनस 12 बराबर एन सी 8, तो n माइनस 12 बराबर 8 हो जाएगा, n माइनस 12 बराबर 8, तो n का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही है अर्थात सत्य है। दूसरा है माइनस आई का गुणन प्रतिलोम आई होगा, तो यदि हम माइनस आई का गुणन प्रतिलोम निकालें तो एक बटे ऋण आई आ जाएगा, और ऋण आई है नीचे तो इसका हर का परिमेय करेंगे तो आई बटे आई का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई बटा ऋण आई का वर्ग, और आई वर्ग क्या होता है ऋण एक, आई का वर्ग ऋण एक होता है, इसलिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा, इसलिए यह भी हमारा सत्य होगा। तीसरा देख लेते हैं करणी तीन ऋण आई का मापांक दो होगा, तो यदि हम करणी तीन ऋण आई का मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट करणी तीन का वर्ग करेंगे तो तीन आ जाएगा, धन ऋण एक का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा, तो तीन और एक चार हो जाएगा, और चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा आंसर दो हो जाएगा, तो इसलिए आंसर होगा सही अर्थात यह सत्य होगा। बात कर लेते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव की, यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू तो ए यूनियन बी बराबर ए, यदि हम देखें कि जो बी के अवयव हैं वह सभी अवयव जो हैं ए में उपस्थित हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो बी है वह सबसेट है किसका, ए का, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए और
बी का जो यूनियन होगा वह ए होगा, इसलिए यह भी सत्य होगा। और हमारा पांचवा और अंतिम सत्ता सत्य है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 तब 6 अवयव जो है ए में हैं। तो हम देखें कि जो समुच्चय ए है उसमें 1 से लेकर 5 तक के अवयव हैं, 6 अवयव ए में नहीं है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को सत्य असत्य प्रश्नों को हल किया। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न में सही जोड़ियों की। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया गया है। पहला है कॉस 47° × cos 13 ऋण साइन 47 sin 13। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि कॉस कॉस और साइन साइन और बीच में माइनस का साइन है, तो यह एक सर्वसम्मिका होती है कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अर्थात ए का मान 47 और बी का मान 13 है, और कॉस 47 और 13 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 60, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ई, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की, तो साइन 75 की यदि हम बात करें, तो साइन 75 को हमें हल करने के लिए हम साइन को 45 + 30 के रूप में लिख सकते हैं, और साइन 45 + 30 को जब हम लिखेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसको हम हल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि (3)/1/2 होता है। तीसरा है tan 19π/3, यदि tan 19π/3 को यदि हम लिखें तो tan 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3, 6 × 3 = 18 और 1 = 19π/3, और इसको हम जब लिखते हैं तो ये tan (nπ + θ) जो होता है (nπ 2π) या (nπ) में जब जाता है तो ये आता है tan(π/3), और tan(π/3) जो होता है अर्थात tan(π/3) कितना हो जाएगा हमारा 60°, और tan 60 का मान कितना होता है √3। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए √3। बात करते हैं चौथे की, cosec − 1410 ounce, तो कोसेक माइनस थीटा, सबसे पहले तो माइनस कोसेक थीटा होगा, तो माइनस कोसेक 1410, और 1410 को हम 360 के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, और इसको जब हम 360 के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो 2 हमें आंसर मिलता है। पांचवा और अंतिम है कि cosec² 45 - sin 45, तो cosec² 45 अर्थात cos 45 का मान 1/√2 का वर्ग हो जाएगा, और ऋण sin 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो यदि हम यहाँ पर देखें 1/2 ऋण 1/√2, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर वी हमें मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हमने इस तरीके से इस लेक्चर में देखा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे गए थे। बात कर लेते हैं हम 2 अंक के प्रश्नों की, तो प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत पूछा गया था कि समुच्चय ए बी के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए, अर्थात प्रश्न क्रमांक 6 में हमें उपसमुच्चयों को पूछा गया था। इसके अथवा में समीकरण x² + 7x - 8 का हल समुच्चय लिखिए, तो हमें इसका हल समुच्चय लिखना था। प्रश्न क्रमांक 7 जो है उसमें पूछा गया है, 2 बिंदु दिए गए हैं ए और वी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है, हम इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। साथ ही इसका जो अथवा है उसमें दिया गया है, बिंदुओं ए और वी 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु सी जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात वाला विभाजन वाला हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, तो इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 जो है उसमें पूछा गया है, बिंदु 5, 6, 7 की बाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो हमें एक बिंदु दिया गया है उसकी बाई अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है, अर्थात ये बाई अक्ष है, तो इस अक्ष से लंबवत दूरी इस तरीके से हमें इसको ज्ञात करना है। साथ ही इसके अथवा में दिया गया है, बाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु पी एक बिंदु है, उससे दूरी 5 करणी 2 है। तो हमें एक बायक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसकी एक बिंदु से दूरी हमें 5 करणी 2 दी गई है। तो इन प्रश्नों को 2 अंक में पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 9 है कि लिमिट x → 0 sin ax अपॉन
बी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है ई एक्स धन बी बटे सी एक्स धन डी का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 10 है उसमें पूछा गया है माध्यिका ज्ञात करना है, तो प्रेक्षण दिए गए हैं, इसके हमें माध्यिका ज्ञात करना है। हमने अभी बतलाया था इसमें प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 6 है अर्थात सम है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा अलग हो जाता है। और अथवा में यहाँ पे प्रश्न है अथवा प्रेक्षण हमें दिए गए हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रेक्षणों का योग करके प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 जो कि 3 अंक में प्रश्न पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 2 होता है। साथ ही इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। तो यह प्रश्न जो है अथवा में 3 अंक के अंतर्गत पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 12 में यदि हम बात करते हैं, यदि एक्स धन आई वाई बराबर 1 धन आई इंटू 4 ऋण 3 आई हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यह हमें बराबर दिए, इनका हम गुणनफल करके एक्स और वाई की तुलना करके मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसके अथवा में जो प्रश्न है वह दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 धन आई बटे 1 ऋण आई के ऊपर एन की घात बराबर आई के ऊपर एन की घात, तो इसको हमें सिद्ध कर रहे हैं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड को लेकर चल के इसको हम सिद्ध कर देंगे। साथ ही इसके 13वां प्रश्न है कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5 के प्रयोग द्वारा कितनी संख्याएं 4 अंकों की बनाई जा सकती हैं, तो 4 अंकों की संख्या बनाना है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए, तो हमें यह प्रश्न पूछा गया है। साथ ही इसके अथवा में प्रश्न है कि एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और तथा व्यंजन साथ रहते हैं, तो ये कंडीशन दी गई है और हमें इसको हल करना है। साथ ही प्रश्न क्रमांक 14 में प्रश्न पूछा गया है समांतर रेखाएं दी गई हैं, तो इनके बीच की दूरी याद करना है, सीधा सा फॉर्मूला है उसके द्वारा हम बीच की दूरी याद कर सकते हैं। साथ ही अथवा हमें दिया गया है रेखाएँ दी गई हैं दो, उनके प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 15 जो है इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, यदि x और y दो समुच्चय हैं और x और y का जो संघ है उसमें 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं, y में 32 अवयव हैं, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव हैं हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू पुट करके हल कर सकते हैं। साथ ही इसके अथवा में प्रश्न है कि यदि a में हमें अवयव दिए गए हैं, बी में हमें अवयव दिए गए हैं, सी में हमें अवयव दिए गए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है और बी और सी का जो सर्वनिष्ठ है, और यदि हम इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें उसको ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की, सिद्ध कीजिए कि कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बराबर 10 54 डिग्री, तो हमें इसको हल करना है अर्थात सिद्ध करना है, तो हम इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड को और हम इसको सिद्ध कर देंगे। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है 2 sin² π/6 प्लस cos² 7π/6 इंटू cos² π/3 बराबर 3/2, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड लेके इसको हम हल कर देंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की, इसमें पूछा गया है 3 धन 2i गुणित 2 धन 3i बटे 1 धन 2i गुणित 2 धन i का संयुग्मी ज्ञात करना है, तो संयुग्मी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, z बराबर a धन ib के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर इसको हम संयुग्मी के रूप में बदलेंगे। साथ ही इसके अथवा में जो प्रश्न है कि यदि x धन iy बराबर a धन ib बटे a ऋण ib हो तो सिद्ध कीजिए कि x² धन y² बराबर 1, तो हमें यह इसको सिद्ध करना है। बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की एक टीम बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं या कितने प्रकार से हम टीम को बना सकते हैं, तो यह हमें ज्ञात करना है। साथ ही इसके अथवा में प्रश्न है कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाज होना जरूरी है, और इस कंडीशन को लेकर हमें इस प्रश्न में एक क्रिकेट टीम का निर्माण करना है।
बात करते हैं 19वें प्रश्न की, तो यहाँ बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के पाद की निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसका अथवा जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, एक रेखा है जिसकी प्रवणता ढाल तथा बाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को हमें ज्ञात करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 20वां प्रश्न है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें x की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करके लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसके अथवा में हम प्रश्न है, यदि y बराबर x बटे x धन पाँच हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू वन माइनस y। तो इसका हमें अवकलज के द्वारा इसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्र प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट्ट प्राप्त होता है तो पट्ट प्राप्त हो गया तो हम नहीं उछालेंगे, तो एक पांसा फेंका जाता है। अर्थात चित्र प्रकट होता है तो हम क्या करते हैं, सिक्के को ही उछालेंगे, और पट्ट यदि प्रकट होता है तो पांसा को फेंका जाता है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है एवं दो चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जब हम प्रतिदर्श समष्टि बना लेंगे तो हमें उससे प्रायिकता भी निकल के आ जाएगी दो चित्र आने की। साथ ही इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है कि एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर चित्र प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें तीन नीली चार सफ़ेद गेंद हैं में से एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर पट्ट प्राप्त होता है तो हम एक पांसा फेंकते हैं। तो परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण कीजिए या वर्णन कीजिए। साथ ही बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की, तो प्रश्न क्रमांक 22 में हमें दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात दिया गया है, हमें उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। n पदों का योगफल दिया गया है, 12वें पदों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसके अथवा में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आते ही हैं, अनुक्रम 7777 अप टू कि इन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की, इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि व्रत, हमें ये व्रत का समीकरण दिया गया है कि दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ये जो व्रत है वह दोनों अक्षों को अर्थात x और y दोनों अक्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो हमें यह सिद्ध करना है। साथ ही इसके अथवा में हमें दिया गया है कि उस दीर्घ व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं और साथ ही उत्केंद्रता हमें दी गई है। तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया है कि दो बिंदु हमें दिए गए हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को बाय जेड तल किस अनुपात में विभक्त करता है। तो हमें बाय जेड तल पर देख लेना है कि कौन सा निर्देशांक हमारा शून्य होता है और उसको हम हल कर लेंगे। इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है कि एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक दिए गए हैं, इस त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, इसी तरह y, इसी तरीके से z, हम इसको सॉल्व करके इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं 25वें प्रश्न की, तो यहाँ पर निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के सापेक्ष यदि हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, उसी के आधार पर हम टेबल का निर्माण कर लेंगे और हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26 की, एक परीक्षण में पांसे को एक जोड़े को फेंका जाता है और उस पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए कि ये जो घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, यदि प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है तो उनका हमें वर्णन करना है। बी है दोनों पांसों पर संख्या 2 प्रकट होती है। सी, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। तो इन घटनाओं में कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं अर्थात उनमें कोई भी अवयव नहीं है समान, या उनमें कोई भी अवयव क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है या रिक्त समुच्चय है। साथ ही हम इसके अथवा की बात कर लेते हैं, तो इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है कि दो पांसे फेंके जाते हैं, पांसों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है, इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए है प्राप्त योग सम संख्या है, बी
प्राप्त योग 3 का गुणज है, सी प्राप्त योग 4 से कम है, तो सिद्ध कीजिए कि इन घटनाओं में से कोई भी युग्म परस्पर अपवर्जी नहीं है, अर्थात ए बी सी का जो इंटरसेक्शन है वह 5 नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 11वीं का जो गणित का पेपर था वह इस तरीके से पूछा गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के पेपर में समाहित थे। धन्यवाद।